के साथ, आपके फेवरेट मैम के साथ। आज आज मैं बताने वाली हूँ आपको डू और डाई टॉपिक्स फॉर नीट 2023, एंड दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग 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 फॉर यू, बिकॉज दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल फॉर दो स्टूडेंट्स, दोज हु आर लुकिंग फॉर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। कई बार स्कूल में भी यही होता था कि भाई बता दे कहाँ कहाँ से इम्पोर्टेंट है, कहाँ कहाँ से टीचर देता है कि भाई मैं वो पहले पढ़ लूँ और मेरे मिनिमम जो है 300 तक मार्क्स बन जाए, उसके बाद तो चल मैं और मेहनत करके काम कर लूंगा। तो यही चीज मैं आपको बताने वाली रही हूँ। जो बच्चे दे आर लुकिंग फॉर अ स्मार्ट वर्क, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड फॉर सच स्टूडेंट्स ऑन द वेरी न्यू डे ऑफ द नया साल 2023, क्योंकि अब से आपकी रेस शुरू हो चुकी है। द काउंट डाउन हैज बिगन फॉर द नीट एग्जाम। अब आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा फटाफट से, और अब आपकी सारी यू नो क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, इसके अलावा अब और प्रैक्टिस मांगता है बॉस, राइट? तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बच्चों। तो आइए, गोल क्या हमारा, यहाँ पे गोल लिख लेते हैं पहले। सब साल के पहले दिन अगर गोल सेट हो जाए तो मेरी मेहनत बच जाएगी, राइट? तो नीट 2023 इज माय गोल, और इसको मैं हासिल करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, राइट? जोश हाई रहना चाहिए आज नए साल वाले दिन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहले तो हम देखते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज कितने, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलो, आर यू एक्साइटेड? यस। तो आइए, दिस इज माई वेटेज। तो अगर मैं देखूं दोनों 11th और 12th क्लास की एनसीईआरटी को, तो दोनों में पांच पांच यूनिट्स है, टोटल मिला के 38 चैप्टर है, जिसमें से 22 चैप्टर 11th के हैं और 16 चैप्टर क्लास 12th के हैं, ठीक है? जिसमें से अगर पहली वाली यूनिट हम देखें, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम आता है, जो बच्चों को रुलाने में काफी सक्षम हो जाते हैं चैलेंज। मैं बता दूं इस यूनिट की वेटेज भी बहुत है, क्योंकि एनिमल किंगडम से जहां 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वहां पे प्लांट किंगडम से भी 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। यस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, एंड यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, 2 तो क्वेश्चन आ जाते हैं, लिविंग वर्ल्ड से 1 आता है, ठीक है? 14%, यानी कि 360 मार्क्स और 14% अगर हम यहाँ पे लगाए तो ऑलमोस्ट 40 से 45 मार्क्स की यूनिट बन जाती है, ठीक है? और वहीं पे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जहाँ पे एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, कॉकरोच, एनिमल टिश्यू आता है, दैट मेक्स अ 5%। मॉर्फो से काफी क्वेश्चन आते हैं आजकल, 2 से 3 आ जाते हैं। वहीं पे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट की अगर बात करें, जहाँ पे सेल सेल डिविजन, बायोमोलिक्यूल्स है, वहां पे 9%, यानी कि सिर्फ 3 चैप्टर, 36 मार्क्स के 3 चैप्टर, यानी हर चैप्टर की मैं एवरेज लगाऊं तो ऑलमोस्ट 12 नंबर का 1 चैप्टर, यानी कि ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन हर चैप्टर से आ रहे हैं नीट एग्जाम में। सो इट इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर यू, एंड इट इज वेरी इजी ऑल्सो, इसको करना बहुत आसान है, ठीक है? छोटे छोटे चैप्टर है। प्लांट फिजियोलॉजी 5 चैप्टर आते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड हॉर्मोन्स डेवलपमेंट, ये वाला इसमें 6%। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, इन पांचों में से भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आता है वो फोटोसिंथेसिस एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर है, क्योंकि वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है नीट एग्जाम वाले, ठीक है? फिर आते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की अगर बात करें तो 7 चैप्टर है, ये वही यूनिट है जो आपको एग्जाम क्लियर करने के बाद भी पढ़नी है और पहले भी पढ़नी है, ठीक है ना? यस, 20% की यूनिट है, ऑलमोस्ट 72 मार्क्स की यूनिट हो जाती है, 7 चैप्टर है, यानी हर अगर मैं लगाऊं तो हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 14 से लेकर 16 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 चैप्टर्स में से। इट इज वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट यूनिट, मोस्ट वंडरफुल यूनिट, मोस्ट अमेजिंग यूनिट एंड दिस इज अ मोस्ट प्रॉमिसिंग यूनिट, क्योंकि यही पढ़ना है आपने, ठीक है? फिर आते हैं रिप्रोडक्शन, इसके बारे में तो क्या ही कहें, 10%, 4 चैप्टर है, जिसमें पहला चैप्टर तो बड़ा चोमू टाइप चैप्टर है, ठीक है? बड़ा इजी सस्ता चैप्टर है। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड। फिर आते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन कह रहे को सिर्फ 3 चैप्टर है, बट वाट ये 300% लगा के रखते हैं बच्चों की। पहले में प्रिंसिपल्स है, दूसरे में मॉलिकुलर है, तीसरे में एवोल्यूशन है, 20%, यानी 70 नंबर के 3 चैप्टर। हाय अल्लाह। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर 3 चैप्टर है, माइक्रोब स्ट्रेटजीज एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, 10%, 36 नंबर, यानी कि वही हो गया, हर एक चैप्टर से 12-12 नंबर का आ रहा है, ठीक है ना? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन हाल ही में यहाँ पे 4% है, बट आजकल यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, 5 to 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो यानी कि आज की बात करें तो दिस इज अ वेरी हाई वेटेज यूनिट, ठीक है? फिर आते हैं नेक्स्ट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट 6%,
इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज है। बाकी बायोडायवर्सिटी इजी सस्ता चैप्टर, पढ़ने में बड़ा आसान है, उसमें तो फैक्ट्स ही फैक्ट्स याद करते रहो। उसमें 7 नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैसे 7 नंबर इंपॉर्टेंट है? 7 मिलियन, 7 बिलियन, ये सात 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 यही चलता रहता है उस चैप्टर में। ऐसे ही याद कराती हूँ मैं, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक्स, कौन से चैप्टर से कौन सा टॉपिक है जिसमें आपको मैक्सिमम फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक एग्जामिनर को सबसे ज्यादा प्यार उसी टॉपिक से होता है, ठीक है। तो पहले आते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की अगर बात करें तो इसमें नॉमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिक एड्स सबसे इंपॉर्टेंट। टैक्सोनॉमिक एड्स में मैच द फॉलोइंग दे देगा, नॉमेनक्लेचर में पूछ लेगा कि भाई ये सही नॉमेनक्लेचर है या नहीं, ये लिखा सही से है या नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेता है। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर याद आना चाहिए, है ना बच्चों। तो यहाँ पे मोनेरा हो गया, फंजी हो गई, माइकोराइजा हो गया, ये जो तीन है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है। माइकोराइजा ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप विद पाइनस, ऐसे सवाल पूछ लेगा, ठीक है। प्लांट किंगडम टेरिडोफाइट्स, जिम्नो, जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल के नाम पे कचरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स, रूट एंड लीफ एनाटॉमी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनिमल्स में एपिथेलियल टिश्यू, जहां से मैक्सिम पूछता है कि ये सिलिएटेड एपिथेलियम कहाँ मिलती है, फेलोपियन ट्यूब में कौन सी एपिथेलियम मिलती है, ये घूम फिर के 10 सवाल पूछेगा आपसे, ठीक है। सेल यूनिट की अगर बात करें, जहां पे हमारे 3 चैप्टर थे, माइकोप्लाज्मा बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, न्यूक्लियस से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, क्रोमोजोम से बहुत क्वेश्चन पूछेगा, मियोसिस के प्रोसेस 1, पैकेटीन में क्या हो रहा है, जाइगोटीन में क्या हो रहा है, मैच कीजिए, ये सवाल बहुत आता है। बायोमोलिक्यूल्स काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब आते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनिमल फिजियो भाई पूरी इंपॉर्टेंट है, आपको कुछ नहीं छोड़ना है क्योंकि आपने पढ़ना ही वही है एमबीबीएस में, है ना। तो ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, डू नॉट लीव इवन अ सिंगल टॉपिक, इवन अ सिंगल लाइन ऑफ एनसीईआरटी, एवरीथिंग इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। ये 7 चैप्टर तो आपके जहन में रटे होने चाहिए अच्छे से, ठीक है। फिर आते हैं प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो में सबसे जो एरियाज हैं जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो C4, क्रांज एनाटॉमी। अगर आप खुद भी देखेंगे अभी PYQ, तो आप खुद कहेंगे मैम बिल्कुल सही कह रही है, ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक है, एनारोबिक है, कितने स्टेप्स है, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप है, कितना एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है, कितना सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हो रहा है, वही 5 सवाल। क्रेब्स साइकिल, कौन कौन से स्टेप्स पे GTP निकल रहा है, किस स्टेप पे NADP NADH निकल रहा है, किस स्टेप पे आपका CO2 निकल रहा है, ठीक है, बस यही सवाल। ETC कॉम्प्लेक्स, टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम कितना होता है, कितने हाइड्रोजन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस किस के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, वही 5 सवाल, ठीक है। फोटो पीरियडिज्म, वाटर ट्रांसपिरेशन पुल, एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, बल्क मूवमेंट ऑफ फ्लोएम, डेफिशिएंसीज फ्रॉम मिनरल न्यूट्रिशन एंड नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेटर्स में जितने भी आपके रेगुलेटर्स के फंक्शंस दिए हुए हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहां से आते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास 11। अब चलते हैं क्लास 12 की ओर, जहां पे सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। भाई बहुत सस्ता चैप्टर है। मेगा डिफरेंस किस में आपको पता होना चाहिए, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या इसका एग्जांपल क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या इसका एग्जांपल क्या है, एम्फीमिक्सिस क्या इसका एग्जांपल क्या है, एपोमिक्सिस क्या इसका एग्जांपल क्या है, पार्थिनोजेनेसिस क्या है उसका एग्जांपल क्या है। 5 टर्म्स बिल्कुल सुपर क्लियर होने चाहिए विद एग्जांपल्स, कहीं पे नोटबुक में बना के लिख भी लो यार। अगर आपके पास नोटबुक है तो उस नोटबुक में आप यहाँ पे ये 5 चीजें लिख सकते हैं विद एग्जांपल, तो वो काफी आपको हेल्पफुल होगा लास्ट मिनट रिविजन के लिए। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स फुल चैप्टर, कुछ नहीं छोड़ना। हॉर्मोन्स आर सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, इसमें भी मैं कहूंगी जो हॉर्मोन्स वाला पार्ट है वो सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एवोल्यूशन, एवोल्यूशन बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चों को कई बार परेशान भी करता है। तो एवोल्यूशन में जो डार्विनिज्म है, नेचुरल सिलेक्शन के ग्राफ्स और एग्जाम्पल्स है, और ह्यूमन एवोल्यूशन के जो टाइमलाइन है, ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, अडेप्टिव रेडिएशन, ये सब चीजें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। माइक्रोब्स तो बेटा चैप्टर ही इतना इजी है कि उसमें तो मैं क्या ही बोलूं। ह्यूमन हेल्थ में अगर मैं बात करूं तो पूरे चैप्टर है, बट उसमें सारे डिजीजेस, उसके कॉजिटिव एजेंट, एड्स, कैंसर एंड ड्रग्स वाला पार्ट, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी आपने कुछ नहीं छोड़ना है, क्योंकि हाल ही में अगर मैं बताऊं 5 से 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कांट लीव इवन अ बिट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इकोलॉजी में सबसे पहले एनवायरमेंटल इश्यूज,
चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बायोडायवर्सिटी से ईवल क्वार्टेट इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स फ्रॉम इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन लाइक कोरोना वायरस जैसे लास्ट ईयर आ गया था, ठीक है। वहीं पे अगर जेनेटिक्स की बात करें जो हमने छोड़ दिया था पीछे, डाई हाइब्रिड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, लिंकेज, जेनेटिक डिसऑर्डर, कोडोमिनेंस, ट्रांसलेशन, लैक ओपेरॉन, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, यूकैरियोटिक एमआरएनए, एचजीपी। तो वैसे तो ये चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट है, बट इसमें भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन जैसे जेनेटिक कोड से बहुत पूछता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत पूछता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, कोडोमिनेंस कौन सा एग्जाम्पल है कौन सा नहीं है, इजी पूछेगा, टफ नहीं पूछेगा, बट दीज आर द एरियाज विच नीड्स योर मैक्सिमम अटेंशन, विच नीड्स योर मैक्सिमम फोकस गाइस, ठीक है। तो दिस वीडियो ऑन यू नो पुटिंग दिस वीडियो ऑन डे वन ऑफ द न्यू ईयर वॉज टू लेट यू नो दैट स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क कैन गिव यू 100% सक्सेस इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग। यस, ये वो चैप्टर्स है, ये वो टॉपिक्स है, अगर आप इसकी लिस्ट बना के रख ले तो आई कैन गारंटी यू दैट यू कैन इंक्रीज योर स्कोर, ऑब्वियसली यू विल इंक्रीज द स्कोर इफ यू स्टार्ट पुटिंग योर हार्ड वर्क। अगर आपको लगता है कि आपको मैम की जरूरत है तो क्रैश कोर्स रात के 10 बजे चलता है, सुबह 11:30 बजे प्रैक्टिस चलती है, उसमें आइए, बस लग जाइए। देखिए बच्चा, आपको लगना तो पड़ेगा, इवन फॉर द स्मार्ट वर्क ऑल्सो यू हैव टू पुट एफर्ट्स, भगवान नहीं उतर के आएंगे आप, ठीक है, अभी भगवान नहीं आ रहे उतर के आपके नीड को क्लियर कराने, आपने खुद ही क्लियर करना पड़ेगा, नोबडी इज कमिंग फॉर यू, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स योरसेल्फ। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डे वन ऑफ द न्यू ईयर दैट आई एम नॉट गोइंग टू स्टॉप माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू फॉलो अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, आई एम गोइंग टू फॉलो दिस प्लान विच विल हेल्प मी टू सक्सीड नीड 2023। डोंट लेट एनी डिस्ट्रैक्शन किल योर एम, किल योर गोल्स, बिकॉज हर एक साल आपकी जिंदगी का बेहद कीमती है, हर साल कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। पिछले साल आप 18 लाख बच्चों के साथ लड़ रहे थे, आज शायद इस साल शायद आप 20 लाख से लड़ोगे, अगले साल शायद 22 से लड़ोगे। तो एवरी ईयर द कॉम्पिटिशन इज इंक्रीजिंग, वाई आर यू गेटिंग इन टू दिस ट्रैप ऑफ कॉम्पीटिंग एवरी ईयर, इसी साल क्लियर करो और जय हिंद करो यार, ठीक है। बस ये डू और डाई टॉपिक लास्ट टाइम देखते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा नीट में जाके बैठ जाना है, ठीक है। एमबीबीएस की सीट अपनी काउंसलिंग में पक्की कर लेनी है और फिर आप अपने एमबीबीएस करेंगे, ठीक है बच्चों।